हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछला वीडियो जब कांस्टेबल जेडी और ड्राइवर के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनाया था तो उसमें मुझे एक दोस्त ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया था कि सर मेरे को वाशरमैन और कांस्टेबल जेडी के बारे में कुछ बताओ। तो मैं आ गया हूँ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो, इस टॉपिक में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि वाशरमैन या किसी भी ट्रेडमैन, अब बहुत सारे दोस्त को ये पता नहीं होगा कि ट्रेडमैन का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से मतलब ट्रेड का आता है। तो देखिए, ट्रेड एक होता है कांस्टेबल जीडी, जो जनरल पर्सन था जीडी का, जो सिपाही जिसको बोलते हैं हमारे, एक होता है ट्रेडमैन जिसमें वाशरमैन, कुक, वाटर कैरियर, पायलट मतलब ड्राइवर का आ जाता है। एसएसबी कांस्टेबल जीडी और ड्राइवर के बीच में कंपैरिजन वीडियो मैं बना दिया हूं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं दिखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। चलिए, मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वाशरमैन का भर्ती कैसी होती है। तो देखिए, एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी जीडी के तहत भर्ती होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी के तहत सिर्फ जीडी पर्सन की भर्ती होती है, जिसको सिपाही बोलते हैं। उसमें एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जितने भी मतलब फौज है जिसका आप नाम जानते हैं, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को छोड़ के जितने भी फौज है, जिससे जीडी के तहत सिपाही रैंक की भर्ती होती है, जो कंबाइंड एग्जाम होती है और कंबाइंड भर्ती की प्रक्रिया होती है। लेकिन ट्रेडमैन के लिए कंबाइंड एग्जाम की कोई प्रोविजन अभी तक नहीं आया है। मतलब कि अगर एसएसबी को ट्रेड की जरूरत है, किसी भी ट्रेड का, जैसे ड्राइवर की जरूरत है, कुक की जरूरत है, वाशरमैन की जरूरत है, वाटर कैरियर की जरूरत है, तो अपनी ट्रेड की भर्ती खुद करती है। उसी तरह एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ अपनी अपनी भर्ती खुद से लेती है। तो अगर आप किसी भी फौज के ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं तो इंडिविजुअल उस फौज की नोटिफिकेशन आती है कि फलाने फौज में, या मान लीजिए एसएसबी में, एसएसबी के ट्रेडमैन के लिए ट्रेड भर्ती होने वाली है, आप नोटिफिकेशन भर देख सकते हैं और उसमें भर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेडमैन की भर्ती कैसे होती है। तो चलिए, ट्रेडमैन की भर्ती समझने के बाद मैं आपको बता दूं मतलब वाशरमैन की ड्यूटी क्या होती है या ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडमैन की मतलब वाशरमैन की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। सभी जितने भी ट्रेड होते हैं सभी की भर्ती ट्रेनिंग प्रक्रिया 6 महीने की होती है, जिसमें 3 महीना 12 वीक आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और 12 ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती है। मतलब कि मान लीजिए आप पायलट में भर्ती होते हैं तो 12 वीक तो आपको सिर्फ पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, भले आपने गाड़ी चलाने आता भी हो। हालांकि आज मैं दोस्तों मैं आपको ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि ट्रेड के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग देता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुक की भर्ती देखना चाहते हैं तो कुक के लिए आपको 2 साल या मतलब 2 साल से ज्यादा का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लेता है। वो आपको किसी भी रजिस्टर्ड होटल से आपको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। उसी हिसाब से वाशरमैन की भी भर्ती में वाशरमैन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग देता है। वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप किसी भी रजिस्टर्ड में लॉन्ड्री होती है वहां से 2 साल या 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लेके आना पड़ता है। वो नोटिफिकेशन में दे दिया रहेगा कि आपको कितने दिन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आना है। तो चलिए, अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि वाशरमैन की ड्यूटी क्या होती है। देखिए, वाशरमैन की ड्यूटी मेनली अगर देखा जाए तो वाशरमैन किसी भी कंपनी में जब रहता है तो एक कंपनी में 2 वाशरमैन रहते हैं और वाशरमैन वहाँ पे जो ऑफिसर रैंक होते हैं उनके कपड़े धुलाई करने होते हैं और बाकी सभी का कपड़े प्रेस करने होते हैं, सिर्फ प्रेस करने होते हैं। जनरली एक कंपनी में एक ही ऑफिसर होता है, उनके आप कपड़े धुलाई करने होंगे और प्रेस करने होंगे। साथ ही साथ जो वीआईपी रूम होते हैं उनके पर्दे वगैरह और चेयर पे जो तावल लगाते हैं वो वगैरह, बेडशीट वगैरह, जो वीआईपी रूम के बेडशीट होते हैं जहाँ वीआईपी आके मतलब स्टे करते हैं, उनके साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। इसके अलावा आप जवानों के कपड़े प्रेस करेंगे, धुलाई नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो आपको महीना में 2 से 3 दिन आपको कपड़े धुलाई करने पड़ेंगे, बाकी प्रेस थोड़ा थोड़ा 2 या 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा 5 एयर वर्दी को रोज प्रेस करने को मिलेगा। इससे ज्यादा आपका ड्यूटी नहीं लगेगा। जीडी की तरह आपको वहाँ पे रह के कैंप की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। हाँ, एनओ ड्यूटी में है तो आपको वेपन के साथ भी ड्यूटी लगाया जा सकता है, वो सिचुएशन के अनुसार है। मेनली पीस एरिया में आपको कोई ड्यूटी मतलब कपड़े धुलाई और कपड़े प्रेस करने के अलावा कोई ड्यूटी नहीं दिया जाता। अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि ट्रेडमैन में वाशरमैन की प्रमोशन और पे स्केल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी ट्रेडमैन होते हैं, सिर्फ पायलट को छोड़ के, पायलट के अलावा किसी भी ट्रेडमैन में मतलब कुक का हो गया, वाशरमैन हो गया, वाटर कैरियर हो गया, इन लोगों का प्रमोशन नहीं होता। सफाई कर्मियों भी होता है, कूबलर भी होता है, इन लोगों का प्रमोशन नहीं होता है।
अगर आप ट्रेड भर में किसी भी ड्राइवर को छोड़ के भर्ती होते हैं तो आपको हमेशा इसी में रह जाता है। वो मैं अगला टॉपिक बात करूंगा प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन आपको डायरेक्ट जो हर 10 साल या 15 साल के बाद जो GD पर्सन का प्रमोशन होता है उस तरह का प्रमोशन आपको नहीं होगा। रही बात पे की, तो पे में आपको जब तक GD पर्सन का, मान लीजिए आपकी भर्ती 2021 में होती है और 2021 में जो जवान मतलब GD पर्सन भर्ती होती है, तो जब तक GD पर्सन का प्रमोशन नहीं हो जाता है तब तक आपका पे और GD पर्सन का पे दोनों का सेम होगा, इसमें 1% का चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे GD पर्सन का प्रमोशन हो जाता है, एक प्रमोशन हो जाता है, जनरली 10 साल पर प्रमोशन हो जाता है GD पर्सन का। अगर GD पर्सन का प्रमोशन हो जाता है तो उनका पे स्केल में 2 से 3 हजार रुपया बढ़ जाता है। GD पर्सन जब दूसरा प्रमोशन लेंगे तो 2 हजार और बढ़ जाएगा। लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होने के कारण आपका पे स्केल स्टे रहेगा। हाँ, जो हमेशा जो हर साल जो इंक्रीजमेंट लगता है वो इंक्रीजमेंट आपका लगते रहेगा, वो जनरली सभी। अगला टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमैन का वर्दी और फायरिंग रेंज में जो फायरिंग होता है, क्या होता है कि नहीं होता। देखिए बिल्कुल होता है, सारे बेल्ट कैप के जितने भी वर्दीधारी हो, चाहे वो हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर हो या छोटे से छोटे रैंक का कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो ट्रेडमैन हो, चाहे वो GD पर्सन हो, चाहे वो किसी भी मतलब हाई रैंक का ऑफिसर हो, सबकी साल में एक बार एनुअल फायरिंग भी होती है। अगर एक सिपाही वर्दी पहनता है और एक ट्रेडमैन वर्दी पहनता है तो उस वर्दी को देख के कोई नहीं कह सकता कि कौन ट्रेडमैन है और कौन सिपाही है। बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रेडमैन का वर्दी दूसरा हो जाता है, देख के ही पहचान लेता है कि ये ट्रेड का है ये GD का है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कोई रैंकधारी आपके साथ खड़ा नहीं होता है तब तक आप में और GD पर्सन में कोई पहचान नहीं लगा पाएगा कि आप ट्रेडमैन है कि वो ट्रेडमैन है, कि आप सिपाही है कि वो सिपाही है। अब हम बात कर लेते हैं कि LDC एग्जाम से प्रमोशन हो सकता है कि नहीं ट्रेडमैन होगा। देखिए सभी ट्रेडमैन, चाहे वो कुक हो, बार्बर हो, वाशरमैन हो, वाटर कैरियर हो, कोबलर हो, सफाई कर्मी हो, कोई भी कर्मचारी LDC से वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लेके आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही नहीं, आप 3 साल या 4 साल आपका नौकरी हो चुका है, चाहे आप किसी भी ट्रेड में है, एग्जाम दे के आप सिपाही में आ सकते हैं। सिपाही से आप ऑन प्रमोशन जो हर 10 साल या 5 साल पर होता है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आई होप जिस दोस्तों ने हमसे ये पूछा था कि सर ट्रेडमैन में वाशरमैन के बारे में कुछ बताइए, तो उनको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपसे हमसे कुछ भी छूट रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये जानकारी पूरा नहीं हो पाया या समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ये मेरे ईमेल पर भी ईमेल कर सकते हैं, मेरे अबाउट सेक्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आप जाइएगा तो ईमेल आईडी मिल जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्प किया होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने स्तर से जितना मेरे को जानकारी हो सकता है मैं देने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।